व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आया हूँ ना, उसका नाम है शाही टुकड़ा। अब भाई, रेसिपी शाही है तो इसके अंदर शाही चीज़ों का इस्तेमाल भी होगा, है कि नहीं। तो इसके अंदर क्या होता है ना, जितनी भी शाही रेसिपीज होती हैं उनके अंदर बहुत सारा घी, दूध और फिर कंडेंस्ड मिल्क, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसी चीज़ें जिनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ऐसे में भाई, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिनको अपने सेहत की ज़्यादा फिक्र है, वो लोग तो बेचारे खा नहीं सकते। लेकिन मैंने इस वीडियो में ऐसा तरीका आपको बताया है कि हर कोई इस रेसिपी को ट्राई कर सकता है और बिना किसी झंझट, बिना किसी परेशानी के और बिना ज़्यादा टेंशन लिए आप बेझिझक इस रेसिपी को ट्राई करके खा सकते हो, वो भी जी भर के। लेकिन गाइज, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम टेस्ट से यानी कि स्वाद से समझौता करने वाले हैं। बिल्कुल वही मार्केट वाला टेस्ट आएगा, जैसा हैदराबादी स्टाइल या फिर पुरानी दिल्ली स्टाइल आप शाही टुकड़ा खाते हो ना, जैसा पुरानी दिल्ली में या हैदराबाद में मिलता है, उस तरीके का बिल्कुल ज़बरदस्त टेस्टी शाही टुकड़ा बनाने वाले हैं। और गाइस, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है इसका टेस्ट। एक तो इसमें चीज़ें इतनी सिंपल सी डलेंगी, इतने कम चीज़ों के साथ आप बना सकते हो, और जिनको मीठा पसंद नहीं है ना, वो भी इसको एकदम मज़े लेके खाने वाला है। गाइस, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। तो चलो फिर फटाफट से इस बेहतरीन सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बना रहे हैं चाशनी, और चाशनी के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3/4 कप चीनी, और मैंने इस कप के नाप से 3/4 कप चीनी लिया। आप चाहो तो कोई भी कप से चीनी को नाप सकते हो, और 3/4 कप ही इसमें आपको डालना है पानी। जितना चीनी लोगे उतना ही पानी डालना है। अब 3/4 कप चीनी की चाशनी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे चाशनी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं चाहिए, और इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा चाशनी बनाने की। तो आप इतने ही नाप से चाशनी बनाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। बस अब आप इसको एक बार चला देना जिससे कि चीनी जो है लगे ना नीचे पैन में, और बस इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना। जब इस तरीके से बॉयल आने लगे तब हम इसमें डालेंगे खाने वाला रंग। अब ध्यान रखना, ये खाने वाला रंग है, खाने वाला रंग अलग से मिलता है, नॉर्मल जो होली के रंग होते वो मत डाल देना। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी के जितना ऑरेंज फूड कलर डाला है, और कलर डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, इसमें ज़रूरत नहीं होती वैसे कलर की। और तो अब हम इसमें डाल रहे हैं इलायची का पाउडर। तो आप इलायची को कूट लेना और उसका पाउडर बन जाएगा, तो बस वही इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे। तो ये आपको डालना है 2 से 3 चुटकी, और फिर इसको आप छोड़ देना बॉयल होने के लिए। और इसको आपको पकाना है, कितना पकाना है देखो, ये पकते पकते इसको कम से कम 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे, और इसमें बॉयल आ रहा था। तो आपकी चाशनी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उसको अपने उंगलियों के बीच में लो तो आपको हल्का सा चिकना फील होना चाहिए, यानी कि आपको बहुत हल्का सा चिपचिपा सा लगेगा, चिकना सा लगेगा, लेकिन तार उसमें नहीं बनना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अब ब्रेड, और 7 से 8 स्लाइसेस मैंने ब्रेड के इस्तेमाल किए हैं। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। तो यहाँ पे आप हो सके तो व्हाइट ब्रेड का ही इस्तेमाल करना, जैसे मैंने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड का ही इस्तेमाल किया है। ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करोगे तो उससे बन तो जाएगा लेकिन टेस्ट जो है उतना अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। और ट्रेडिशनली इस रेसिपी में व्हाइट ब्रेड का ही यूज होता है। तो इनके किनारे आपको क्या करना है, चाकू की सहायता से हटा लेना है, ठीक है। आप चाहो तो किनारे के साथ भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इससे होगा क्या ना कि जब आप शाही टुकड़ा को तोड़ोगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसके किनारे अलग हो रहे हैं और बीच वाला हिस्सा जो है उसका अलग हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो व्हाइट वाला हिस्सा है ब्रेड का। तो अब मैंने गैस पर रख दिया है एक तवा, और इस तवा को आपको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है, ठीक है। और मीडियम फ्लेम पे जब तवा गरम हो जाए तो इसके ऊपर आप जितने तवा पे मतलब जगह हो उस हिसाब से आप ब्रेड के स्लाइसेस रख दो, और इसको उलट पुलट के सेक लो। देखो, अभी मैंने इसके ऊपर कोई घी, कोई तेल वेल कुछ नहीं लगाया, ठीक है। पहले आप हल्का सा सेकना, जब आपके ब्रेड पे हल्का सा कलर आ जाए, वो हल्के से फॉर्म हो जाए, उसके बाद आप इस पर घी लगाना शुरू करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज़ किया है। अब देखो, ट्रेडिशनली अगर इस रेसिपी में देखें वैसे इस रेसिपी को घी में फ्राई करके बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन उससे होता क्या है कि जब आप घी के अंदर ब्रेड को डीप फ्राई करते हो ना, तो बिल्कुल इसके अंदर जो घी है वो भर जाता है, और वो खाने में बहुत ही ज़्यादा एक तो अनहेल्दी हो जाता है, और ऊपर से अच्छा भी नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी सा फील होता है आपको खाने के बाद। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप उस तरीके से कर सकते हो, आपको अगर सेहत की अपनी इतनी फिक्र नहीं है तो आप कर सकते हो उस तरीके से। लेकिन ये जो है ये एक हेल्दी वर्जन है इसका, शाही टुकड़े का हेल्दी तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस तरह। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप ब्रेड को सेकोगे तो आपको उसको थोड़ा सा दबा दबा के चम्मच वगैरह से सेकना है, जिससे कि उसके ऊपर जो रंग है ना वो बिल्कुल अच्छे से आए, इवनली आए। देख लो ना, इस तरीके से कलर आए बिल्कुल गोल्डन, ये तभी आएगा जब आप इसको दबा दबा के सेकोगे। तो अब हम बना रहे हैं शाही टुकड़ा के लिए रबड़ी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध। आप चाहो तो इसमें गाय का, भैंस का या फिर टोन दूध, कोई भी दूध आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। और आपको 1/2 लीटर दूध यहाँ पे लेना है, ठीक है। 1/2 लीटर यहाँ पे बहुत होगा, मतलब इतने ब्रेड के स्लाइसेस के लिए।
तो इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और फ्लेम जो है वो अभी मीडियम हाई पे है। बॉयल आने का वेट करेंगे। देखो इस तरीके से बॉयल आ गया है, नॉर्मली जिस तरीके से दूध को उबालते हैं। और तो जब दूध में उबाल आ जाए तब मैंने इसमें डाला है सिर्फ 2 चुटकी पीला खाने वाला रंग यानी कि येलो फूड कलर, और साथ में ही डाला है बारीक कटे हुए काजू और बादाम। ठीक है, चॉप किए हुए काजू बादाम पिस्ता जो भी आपके घर में हो आप वो ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हो। बस किशमिश मत यूज़ करना क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस आपको इसको बीच बीच में चलाते रहना है और फ्लेम को कर देना है मीडियम लो, जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक पकाना है। बीच में ही मैंने इसमें डाला है केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप इसमें केवड़ा जल भी डाल सकते हो। केवड़ा जल भी नहीं है तो रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल डाल सकते हो थोड़ा सा बस। और ये आपको डालना कितना है, सिर्फ 2 से 3 बूंद। ठीक है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं वरना टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। तो अब आपको एक दूसरे बोल के अंदर डालना है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हो 1 टीस्पून। ठीक है, कॉर्नफ्लावर इस तरीके के डब्बे में मिलता है वैसे। और साथ में डालना है 2 से 3 बड़े चम्मच पानी। दोनों को अच्छे से मिला लेना, अच्छे से घोल लेना है। तो ये हमारा एक मिक्सचर यानी कि एक इसका घोल तैयार हो गया है। तो बस अब आपको जो कॉर्नफ्लावर वाला घोल बनाया था ना वो इसके अंदर आपको डाल देना है। डालते वक्त ध्यान रखना आप इसको पहले थोड़ा सा फिर से मिला लेना क्योंकि ये नीचे जाके ना बैठ जाता है जो कॉर्नफ्लावर है, और पानी जो है ऊपर हो जाता है। तो आप जब इसको डालोगे तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रुक रुक के डालना, एक बार में पूरा मत उलट देना। और डालते वक्त आप इसको लगातार चलाते रहना, मिलाते रहना, ठीक है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो काम है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, आसान हो जाएगा, यानी कि जो दूध है वो जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैंने इसके अंदर डाला था 2 से 3 चुटकी इलायची का पाउडर, और बस इसको आपको मिला लेना। वैसे आप चाहो तो सिर्फ इलायची के पाउडर से भी बना सकते हो केवड़ा एसेंस, या फिर आप कोई भी एसेंस या केवड़ा जल वगैरह नहीं डालना चाहते हो तो आप उसके बिना भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास हो या आपको मिल जाए तो ज़रूर डालना, उससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बिल्कुल अलग सा ही टेस्ट आ जाता है गाइस। तो यहाँ पे इसको हो चुके हैं 8 से 10 मिनट पकते हुए मीडियम फ्लेम पे, और आप देख सकते हो पहले से थोड़ा गाढ़ा लग रहा होगा, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है और बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। बस इतना ही गाढ़ा काफ़ी है, इस ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। बस गैस को बंद कर दो और इसको रख दो साइड पे। तो अब देखो जो चाशनी हमने बना के रखी थी ना उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा गरम कर लेना। ठीक है, हल्का सा आप उसको गरम कर लेना, दोबारा से गुनगुना कर लेना। हमें इस शाही टुकड़े के ऊपर हल्की गरम चाशनी डालनी है। ठीक है, बहुत खौलती हुई भी नहीं होनी चाहिए लेकिन हल्की गरम होनी चाहिए। तो अब हम करेंगे शाही टुकड़ा को असेंबल, जिसको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बेकिंग डिश ले ली थी, यानी कि जो बेकिंग ट्रे आती है ना जिसके अंदर केक वगैरह बेक करते हैं वो ले लिया था। और उसके अंदर मैंने इस तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस को बिछा दिया और उसके ऊपर मैंने डाला चाशनी। चाशनी आप थोड़ा थोड़ा करके डालना, ठीक है, एक बार में पूरी चाशनी मत उलट देना, तभी अच्छे से ब्रेड उसको सोक करेंगे यानी कि अब्सॉर्ब करेंगे। उसके बाद आपको डालना है इसके ऊपर रबड़ी, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और इसके बाद मैंने इसके साइड में थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाला था, यानी कि जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है ना वो आपको इस तरीके से साइड में डाल देना, अगर आपके पास हो तो ही डालना, नहीं हो तो मत डालना। साथ में मैंने थोड़ा सा डाला है लंबे कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए काजू, इस तरीके से कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो जितना आपको पसंद हो। और साथ में ही डाला था मैंने टूटी फ्रूटी। ठीक है, अगर इनमें से आपके पास जो भी चीज़ें हों आप वो डाल सकते हो, और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप सिंपल ड्राई फ्रूट डाल के भी सिंपल इसको सर्व कर सकते हो, या फिर ड्राई फ्रूट भी नहीं है तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है वैसे भी। तो बस शाही टुकड़ा जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपके पास इस तरीके की बेकिंग डिश या बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप कोई भी फैली हुई थाली या प्लेट में भी इसको असेंबल कर सकते हो। और एक चीज़ की, जब आप रबड़ी बनाओगे तो साइड में क्या होता है कि हल्का सा मलाई जो दूध का होता है वो चिपक जाता है, तो उसको आप क्या करना साइड से स्क्रेप करते रहना और दूध में मिक्स करते रहना। उससे क्या होगा, दूध अच्छे से गाढ़ा भी होगा और साथ में बहुत ही टेस्टी रबड़ी आपकी बनेगी। तो गाइस तैयार है यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त टेस्टी, बहुत ही बेहतरीन और देखने में इतना ज़्यादा सुंदर शाही टुकड़ा, बिल्कुल मार्केट जैसा हैदराबादी स्टाइल, या फिर आप कह लो पुरानी दिल्ली स्टाइल, क्या कम लग रहा है उससे, नहीं ना, टेस्ट में भी इतना माइंड ब्लोइंग है गाइस। और सबसे बड़ी बात तो इसको बनाना इतना सिंपल आपने देख ही लिया है, और साथ में इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें भी नहीं गई, बहुत ही कम चीज़ों के साथ, कोई मावा, कोई कंडेंस्ड मिल्क वगैरह कुछ नहीं डालना। ठीक है, सिंपल दूध और ब्रेड के साथ ही आप इतना ज़बरदस्त मिठाई बना सकते हो। सच में गाइस इसका टेस्ट इतना इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं क्या बोलूँ। और एक मैंने आपको यहाँ पे खा के भी दिखा दिया, और जिस तरीके से मैंने बताया जो भी टिप्स दिए ना वीडियो में उनको फॉलो ज़रूर करना और फिर इस रेसिपी को ट्राई करना।
तो गाइस अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं आया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।